हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो नेट दिसंबर 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैंने देखा है कई यूट्यूबर्स ने इसके वो बहुत एक्सपेंड करके बताया, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल से ट्रिक में समझाने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन है द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। आपको दिखते ही लग गया होगा कि जो स्पेशल मैट्रिक्स दिख रही होगी आपको, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमें दे रखा है 6x6 का, जिसमें डायगोनल में जो एलिमेंट है वो 1-1 है, और प्रिंसिपल में डायगोनल जो 1-1 है, बैकवर्ड में जो डायगोनल में एलिमेंट है वो 2-2 है, और रेस्ट ऑफ जो एलिमेंट है वो सारे जीरोज हैं। ठीक है, तो हमसे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पूछा है, क्या वो 0 होगा, क्या वो -9 होगा, क्या वो -27 होगा, या फिर 1 होगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जब भी आपका ऐसा मैट्रिक्स आ जाए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, प्रिंसिपल डायगोनल और बैकवर्ड डायगोनल में सेम एलिमेंट हो और बाकी सारे एलिमेंट आपके जीरो हों, तो उसमें एक फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला लगता है डेल 2n इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर n। ठीक है, n क्या होता है, n होता है ये जो 6x6 है ना, यहाँ से हमें n मिलता है। n क्या मिलता है, जैसे 6 है ना, 6 के लिए आपको 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपको n मिल जाएगा 3। ठीक है, और देखिए जो a क्या होता है, a होता है आपका प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट है यानी कि 1, और b क्या होता है आपके जो बैकवर्ड डायगोनल में जो एलिमेंट है यानी कि 2। तो एक इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास n कितना है, 3 है, यानी कि डेल 2-3 क्या हो जाएगा। फॉर्मूले में पुट कर देंगे a के प्लेस पे 1 और b के प्लेस पे 2। ठीक है, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इंटू पावर में n आता है यानी कि 3, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस कितनी, माइनस 3 का क्यूब क्या दे देगा सॉल्व करने पर, -27। यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, थर्ड, आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में ज़रूर आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।